नोटबंदी हर मोर्चे पर विफल रही है। नोटबंदी की वजह से करोड़ों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग लाइन में लगे, और देश में जो वादा किया था 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि आतंकवाद रुकेगा, काला धन आएगा, मित्रों मैं चौराहे पर आ जाऊंगा, मुझे 50 दिन, आज मुझे लगता है देश इंतजार कर रहा है कि मोदी जी आप किस चौराहे पर आएंगे। कांग्रेस पार्टी तुगल की फरमान, जिसकी वजह से करोड़ों लोग समस्याओं में पड़े और लाखों लोग जिनकी जानें चली गईं, तो इस फैसले के विरोध में हर जनपद मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। लखनऊ और कानपुर में आरबीआई के कार्यालय पर हम प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राज बब्बर जी भी रहेंगे। देखिए, पहली बात है कि नोटबंदी से सबसे बड़ा असर जिस पार्टी को हुआ है वो बौखलाई हुई है, और सभी किसी भी मैंने देखा मध्यम वर्गीय हो या गरीब हो, अंतिम आदमी के चेहरे पर जरा से भी दुख और विषाद नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपया डंप किया था यहाँ से विदेशों में, चाहे राजनीतिक दलों के लोग हों या नौधनाढ्य लोग जो आने पौने ढंग से पैसा कमाए थे, उनका चेहरा आज तक मैं मुस्कुराहटों में भरा नहीं देख रहा हूँ। ये हम लोगों का कलेजा ठंडा हो जाता है। कांग्रेसी जब कहता है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग जब कहते हैं कि नोटबंदी से बहुत बुरा हाल है, यही तो हम चाहते थे, ये हमारी नैतिक विजय है।